हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस पढ़ा था, साथ में कंडीशंस पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखी थी। और साथ में कल हमने क्या देखा था कि आपके पास में जब भी यानी इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो उसके लिए फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस क्या होगी। फ्रिंज विड्थ मतलब आपके पास में दो कंजुकेटिव यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस या कंजुकेटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में फ्रिंज विड्थ है। कल हमने फ्रिंज विड्थ के लिए डेरिवेशंस देखी थी जहां पे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो हमारे पास में आती है यानी किसके इक्वल आती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। यानी आपके पास में चाहे ये डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हो चाहे ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हो, बेटा दोनों केसेस में हम फॉर्मूला क्या बताएंगे, सेम बताएंगे कि हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहती है, रिमेन सेम। यहां से हम क्या देख रहे हैं, फ्रिंज विड्थ जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्क्रीन और स्लेट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। एंड थर्ड जो हमारे पास में यानी फ्रिंज विड्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, अगर उसके वेवलेंथ जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की, क्या होगा वहां पे फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा फॉर्म होंगी, ठीक है, उतनी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होंगी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा, आपके पास में डिस्टेंस जितनी ज्यादा लार्ज होगी आपके पास में क्या होगा यानी कि क्या बनेगी, फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली, यानी जितना स्मॉल होगा उतनी ज्यादा फ्रिंजेस फॉर्म होंगी और जितना आपके पास में यानी लार्ज वैल्यू होगी फ्रिंज विड्थ क्या होगा आपके पास में कम होती जाएगी। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में यानी कि जो फ्रिंज विड्थ फॉर्म होती है वो क्या होती जाती है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। यानी एक तरह से सस्टेन जो आपके पास है इंटरफेरेंस फॉर्म नहीं होगा। देखो सस्टेन इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए हमने क्या कंडीशंस बताई थी, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन्स मींस परमानेंट, कि आपके पास में जो इंटरफेरेंस फॉर्म हुआ है वो कैसा इंटरफेरेंस है, एक परमानेंट इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है। यानी कि स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट और डार्क जो फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है उनकी पोर्शंस जो है वो रिमेन्स क्या रहती है, फिक्स फॉर्म होती है। तो यानी हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्या है वो आपके पास में एक जो है क्या बताएंगे, सस्टेन इंटरफेरेंस फॉर्म बताएंगे, ठीक है बेटा, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करने के लिए आपके पास में क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, हमें क्या देखनी है, इसके लिए उन नेसेसरी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि आपके पास में जब भी एक यानी कि सस्टेन इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो उस केस में हम क्या बताते हैं। देखो ये मैंने आपको डेरिवेशन करवा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से ये बता देती हूँ, सस्टेन इंटरफेरेंस कब बन रहा। देखो न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई आपके पास में जब भी इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है जिसके कारण हमारे पास में जो इंटरफेरेंस बने वो कैसा बने, एक परमानेंट इंटरफेरेंस बने। तो हमें क्या करना है, इस परमानेंट इंटरफेरेंस को फॉर्म करना है। तो परमानेंट इंटरफेरेंस को फॉर्म करने के लिए हम क्या बताते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है क्या बताएंगे, सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस मीन्स परमानेंट परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी फॉर्म, पैटर्न विल बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशंस फॉर सस्टेन, यानी कि इसको सबसे पहले मैंने बताया सस्टेन का मतलब क्या है, सस्टेन ऑफ यानी कंडीशंस ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशंस क्या बताएंगे कि आपके पास में जो, देखो मैं बार बार में स्टार्टिंग से जब भी हमने इंटरफेरेंस पढ़ाया तो बेटा मैंने बार बार में यही बताया है कि आपके पास में जो इंटरफेरेंस बनेगा वो कब बनेगा, किस कारण से फॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास में जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक कोहरेंट सोर्स होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, सोर्स शुड बी कोहरेंट, सोर्स शुड बी coherent means there is a constant phase difference, इनके बीच का जो phase difference है वो क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में जो ये दो coherent sources आप लेते हैं इनकी frequency जो है वो भी हम क्या बताते हैं कि आपके पास में frequency इनकी क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए। तो क्या बताएंगे, both lights have same frequency, both lights have same frequency
एंड देयर एम्पलीट्यूड विल बी नियरली इक्वल. इक्वल होना चाहिए, नियरली या नियर अबाउट आप कह सकते हो कि बराबर आसपास इनकी वैल्यू लगभग क्या होनी चाहिए, एक जैसा इनका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड हम क्या बताते हैं कि आपके पास में देखो ये कंडीशंस बनती है कि आपके पास में स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी लार्जर देन डी स्लिट विड्थ के बीच. तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन सबसे पहले हमारे पास में ये होगी कि आपके पास में जो है क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन क्या होनी चाहिए, शुड बी वेरी लार्ज. और लास्ट हम क्या बताते हैं कि हमारे पास में सोर्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक. सोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. तो हम क्या बताएंगे, हमारे पास में स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा, एक सस्टेन इंटरफेरेंस बनेगा हमारे पास. अब यहां से पूछ रहा है कि जब ये सस्टेन इंटरफेरेंस बन रहा है तो आपके पास में अगर हम इन किसी भी दो स्लिट में से अगर एक को कवर कर देते हैं या इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी, वेवलेंथ को चेंज कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स. हमारे पास में नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन द पैरामीटर ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न, की इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर क्या और कौन से इफेक्ट्स जो है, पैरामीटर्स जो है इफेक्ट डालते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो आपके पास में जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, अगर इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह अगर हम क्या कर लेते हैं, कोई दूसरा सोर्स ले लेते हैं, मान लो एक व्हाइट लाइट यूज. देखो व्हाइट लाइट में क्या होता है बेटा, सेम कलर से मिलकर बनी है. व्हाइट लाइट जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनी है, यानी सेम कलर से. अगर हमने इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक व्हाइट लाइट से अगर हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास में यानी कि क्या बताएंगे कि आपके पास में जो यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा वो किस तरह का बनेगा, हमें वो देखना है. तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल्स करेंगे लेकिन मेरा ये छोटे छोटे मेन बात देख लेते हैं. ठीक है बेटा, इफेक्ट्स ऑन द फ्रिंजेस, मैं क्या बता रही हूं आपको, इफेक्ट्स ऑन फ्रिंजेस, फ्रिंजेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ता है. ठीक है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक्सपेरिमेंट आपके पास में, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अंदर फ्रिंजेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला पढ़ा है. यहां से देखिए, सबसे पहले अगर मैंने क्या किया, मैंने देखो एक अननेसेसरी कंडीशन लिखी है, सोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए. ये कोहेरेंट सोर्स कहां से आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से. भाई मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, लाइट्स तो एमिट कर रहा है. यहां से हमने क्या ली, दो लाइट्स ली, और इन दो लाइट्स की जो है नियरली फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी इनकी रिमेन सेम है, और एम्पलीट्यूड इनका नियर अबाउट क्या है, सेम है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो यानी हम क्या बता रहे हैं, अगर हम क्या कर दें, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम एक रिप्लेस कर दें किससे, व्हाइट लाइट से. अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर किससे रिप्लेस कर दिया जाए, व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल रे ऑफ व्हाइट, यानी सिंगल कलर की लाइट जो होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट्स रिप्लेस कर दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, यहां से हमारा सोर्स रखा था, यहाँ हमारी स्लिट्स रखी हुई थी, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन रखी हुई थी, यहां से हमने देखा इस तरह से हमारे पास में ये सेंटर के अंदर यहाँ मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम यानी सेंट्रल फ्रिंज विड्थ बनती है, यहाँ पे आपकी ब्राइट डार्क इस तरह से आपके पास में फॉर्म होते हैं, ये यही बताते हैं इसके आइदर साइड हमें क्या मिलते हैं, ये फ्रिंजेस फॉर्म होती है. तो यहाँ पे हम क्या देखे हैं बेटा, देखो सिंगल जो व्हाइट लाइट होती है ये सेवन कलर्स को कंसिस्ट करती है, क्या करती है, सेवन कलर्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, विब्योर. तो क्या होता है इसके अंदर, विब्योर होता है, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही आपके पास व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि सेंट्रल के ऊपर आपके पास में अब जो है क्या होगा बेटा, पहले हम क्या बता रहे थे, सेंट्रल के ऊपर क्या फॉर्म हो रहा था आपके पास में, यानी कि
कलर यानी मैक्सिमम ब्राइटनेस की स्पॉट फॉर्म हो रहा था यहाँ पे सेंटर के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा अगर व्हाइट लाइट को रिप्लेस कर दिए, सोर्स को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिए, तो क्या होगा यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक व्हाइट लाइट स्पॉट फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा? व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट में सेम कलर्स होते हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्या होगा यहाँ पे व्हाइट लाइट। अब इस व्हाइट लाइट यानी सेंटर के आइदर साइड क्या होगा यहाँ पे वायलेट कलर, फिर इंडिगो, सबसे फार्दस्ट जो फ्रिंज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? रेड कलर। ठीक है, वायलेट कलर जो फ्रिंज होगी यानी वो क्या होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बिल्कुल नजदीक होगी और सेंट्रल के अंदर क्या बनेगी एक व्हाइट कलर की क्या बनेगी बेटा यहाँ पे एक फ्रिंज वेट फॉर्म होगी। तो हम क्या बताएंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो क्या होगी सभी कलर्स के लिए सेम पोजिशन के ऊपर बनेगी। तो यानी इसका मतलब क्या है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो कैसी होगी आपकी व्हाइट कलर की होगी और इस व्हाइट के सराउंडिंग में यानी कौन सा कलर आएगा वायलेट, वायलेट से ऊपर जो है इंडिगो यानी कि सबसे जो फार्दस्ट फ्रिंजेस बनेंगी दोनों साइड से बनेंगी ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी रेड कलर की सबसे फार्दस्ट जो है फ्रिंज फॉर्म होगी कौन सी बेटा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से रेड कलर की और जो इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बिल्कुल नियरेस्ट जो फ्रिंज फॉर्म होती है वो कौन से कलर की फॉर्म होती है वायलेट कलर की हमारे पास में फ्रिंज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास में सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमने क्या कर दिया कि वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हमने व्हाइट लाइट को किससे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी जो है यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड आता है कि अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं तो इन डिस्टेंस इंक्रीज या इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट, डिस्टेंस किसकी इंक्रीज या डिक्रीज, देखो ये स्लिट विड्थ थी आपके पास अगर हम इस स्लिट विड्थ को क्या कर देते हैं मान लो इसको रिड्यूस कर देते हैं। सेकंड पॉइंट मेरे पास में है अगर मैंने डी को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया तो बेटा डी को रिड्यूस करूंगी तो बेटा क्या होगा इंक्रीज, बीटा इंक्रीज हो गया यानी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से तो आपके पास में क्या होगा यहाँ पे कि जो फ्रिंज विड्थ जो है वो इतनी ज्यादा फॉर्म हो जाती है कि जो आपके पास में स्क्रीन जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाता है एक सिंगल फ्रिंज से पूरी क्या हो जाती है कवर्ड हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हम डी को इंक्रीज कर रहे हैं स्मॉल थोड़ा सा इंक्रीज करने पर स्लिट्स के बीच की थोड़ी सी भी डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा बेटा कि स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास में फ्रिंजेस फॉर्म हो रही थी हम क्या देखते हैं कि स्मॉल डी को इंक्रीज करने पर ही हमारे पास में जो एक सिंगल फ्रिंज फॉर्म होती है वो क्या कर लेती है स्क्रीन की पूरे जो है डिस्टेंस को स्क्रीन पूरी स्क्रीन को क्या कर लेती है वो कवर्ड कर लेती है। ठीक है, यानी इतना ज्यादा जो है फ्रिंज विड्थ का साइज क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड आता है मेरे पास में अगर मैंने क्या कर दिया इन दो स्लिट में से किसी एक को मैंने कवर कर दिया, देखो मैंने दो में से किसी एक को कवर कर दिया वन स्लिट के गैप को मैंने कवर कर दिया क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है भाई दो लाइट वेव्स क्या होनी चाहिए इंटरफेयर होनी चाहिए। जब आपने दो में से क्या कर दिया एक को कवर कर दिया तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे अगर आपके पास में क्या हो जाता है कि दो स्लिट में से अगर वन स्लिट को आपने कवर कर दिया है तो हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास में इंटरफेरेंस जो बनता है वो किस कारण से बनता है जब आपके पास में क्या होंगी दो कोहेरेंट सोर्सेज आपस में इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करने की वजह से ही हमारे पास में क्या फॉर्म होता है इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर आता है कि अगर हम यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ना ले कोहेरेंट सोर्स ऑफ हमने बताया दो लाइट वेव्स आई कैसी थी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब सेम फेस के अंदर थी अगर हमने यहाँ पे दो लाइट वेव्स अगर सेम फेस में ना ले कैसे ले इनकोहेरेंट ले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरफेरेंस, तो आप क्या बताएंगे हमारा इंटरफेरेंस एक सस्टेन एक परमानेंट इंटरफेरेंस स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इस वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दें तो बताइए उसके फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या बताएंगे कि जैसे ही आप इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कहां पे इमर्ज कर देते हैं लिक्विड के अंदर इमर्ज कर देते हैं तो बेटा इसकी इंटेंसिटी इसकी जो है फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है डिक्रीज हो जाएगी। तो मेनली जो फैक्टर्स थे वो उसके ये थे। ठीक है बेटा, तो आपके पास में सबसे पहले क्या पूछेगा सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है क्या कंडीशंस होती है, फिर दूसरा पूछेगा उसके फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, और अब थर्ड आता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज की जो शेप होती है वो कैसी बनती है। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की जो शेप बनती है वो कैसी होती है, तो देखिए शेप और देख लेते हैं फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। शेप ऑफ द इंटरफेरेंस
shape of interference pattern. देखो अगर हमने इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल ले रखी तो उस केस में हम क्या बताएंगे, आपके पास में ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, हमें से मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म होती है, और इसके आइदर साइड क्या होगा बेटा, ये आपके पास में हाइपरबोलिक जो है हम क्या बताते हैं, आपके पास में ये इस तरह से यू आएंगे, ये फर्स्ट फ्रिंज, ये सेकंड फ्रिंज, इसी तरह से यहां से फर्स्ट फ्रिंज, ये सेकंड फ्रिंज, ये थर्ड फ्रिंज. तो यानी हम क्या, ये क्या है बेटा आपके पास में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट फ्रिंज, ये सेकंड, ये यहाँ पे आप थर्ड बनाएंगे आगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये कैसा बनता है, हाइपरबोलिक इन नेचर होता है. कैसा नेचर होगा इसका, हाइपरबोलिक. लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपके पास में स्ट्रेट फ्रिंजेस फॉर्म होंगे, इस तरह से हाइपरबोलिक इन नेचर नहीं होगा. आप क्या बताएंगे कि अगर आपके पास में इंटरफेरेंस जो है वो क्या हो जाता है, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कि स्ट्रेट कब हो जाएगा, जब एस वन और एस टू के बीच के डिस्टेंस को अगर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. मान लो ये एस वन एस टू था, इस डिस्टेंस पहले डी थी, अब अगर इस डिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो पैटर्न है वो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आ जाएगा, हाइपरबोलिक नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि वो पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में. तो बेटा ये क्या थी, सेफ थी. तो आप क्या बताएंगे, और एक कल मैंने बताया था कि हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न जब भी फॉर्म होता है तो एनर्जी जो है ये क्या रहती है, इसके अंदर कमजोर रहती है, ठीक है बेटा. तो कैसे देखा था एनर्जी, तो यहाँ पे हमने देखा था कल आपने कि मैक्सिमा और मिनिमा के केस में मैंने अगर उनका क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, ग्राफ से बताया था मैंने, तो कल ग्राफ लिया था, तो ग्राफ में मैंने बताया था ये मैक्सिमा होता है, यहाँ के आपके पास मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम. मैंने इसकी एम्पलीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इस बेस के ऊपर हम बता रहे थे. ये आपके पास में मान लो जीरो, यहाँ पे हमारे पास में पाई, थ्री पाई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में टू पाई, फोर पाई, इसी तरह से यहाँ पे लोगे आप, ये पाई, टू पाई, ठीक है, ये फेस एंगल था इस साइड, और यहां से क्या थी हमारे पास में इंटेंसिटी. तो ग्राफ हमारा कैसा आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है. यहाँ पे हम बताते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है. कैसे दिखाएंगे इसको, तो इसको देखो, आई मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आती ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम आ रही थी आपके पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. अगर हम इनका एवरेज लेते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, आई मैक्सिमम अपॉन में प्लस आई मिनिमम अपॉन में टू. तो इनका जब एवरेज लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू. तो ये वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन में टू. तो ये टू ए बी से टू ए बी कैंसिल, और ये क्या आ गया, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन में टू. तो ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की इक्वल आती है. सिमिलर अगर आप इनकी नेट इंटेंसिटी, ये तो हमारे पास में किस केस में, जब मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म हो रहा था उस केस में आ रही थी. अगर आपके पास में नेट इंटेंसिटी देखते हैं, जहां पे हमने फर्स्ट वेव ली थी उस केस में हमारे पास फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी जो थी ए स्क्वायर, सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, बी स्क्वायर थी. अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे इनकी नेट इंटेंसिटी जो है आई वन प्लस आई टू जो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल. तो ये आपके पास बिना इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी यहाँ पे जब इंटरफेरेंस फॉर्म नहीं होता दो लाइट वेव्स की, तो इनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड तो यहाँ से ही आ रहा है, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न होने के बाद यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस बनी थी. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इनकी एम्पलीट्यूड का रेशो, यानी कि इंटेंसिटी का जो रेशो आता है वो रिमेन्स क्या रहता है सेम. यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यानी हम क्या कहेंगे कि आपका जो है ये क्या फॉलो करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कि एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है बेटा. तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं. देखिए न्यूमेरिकल्स हमारे पास में क्या दिए हैं, आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे. आपके पास में डायफ्रेक्शन का है एक, दूसरा बनता है कि एक थिन फिल्म के कारण इंटरफेरेंस फॉर्म कैसे आएगा, यानी आपके पास में दो मोनोक्रोमेटिक दो कोहेरेंट सोर्स आ रही थी, उनके बीच में अगर हम क्या रख देते हैं,
कोई बीच में ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, कोई ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा, उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, वो कल करेंगे। एक डायफ्रेक्शन, बस दो ही टॉपिक बचे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे बचा है फाइंड द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू पॉइंट्स इन ए स्क्रीन, यानी क्या निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच के रेशो बताना है जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। व्हेन वेव्स फ्रॉम टू स्लिट्स हैव पाथ डिफरेंस, कि आपके पास में जहां पे स्लिट्स के बीच का जो फेस डिफरेंस आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास ही आ रही है। तो देखो दो पॉइंट्स यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, यानी कि दो वेव्स, कल देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस ऑफ फाइ, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे, लिया था ना स्टार्टिंग में, जब हमने क्या देखा था कि दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेयर करने के बाद में हमारे पास रिजल्टेंट वेव आती है, उस रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आ रही थी, उस रिजल्टेंट की इंटेंसिटी हमारे पास ये आ रही थी, ये आई की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में टू रूट ए बी कोस ऑफ फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका इंटेंसिटी का रेशो दिखाना है, कि आपके पास में इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा, आई वन और आई टू इनका रेशो दिखाना है जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। तो बेटा देखो, अगर मैंने मान लिया आई वन और आई टू दोनों इक्वल है, मान लो आई नोट है, तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, टू आई नोट प्लस में टू आई नोट कोस ऑफ फाइव, क्या लिखेंगे इसको, टू आई नोट प्लस में टू आई नोट कोस ऑफ फाइव, टू आई नोट को बाहर ले लो, वन प्लस कोस फाइव, मान लो ये आपके पास में फॉर्मूला आया, आगे ही? अब हमें देखो क्या देखेगा, फर्स्ट कंडीशन, अगर इनका पाथ फर्स्ट वेव का पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स जीरो है फॉर फर्स्ट वेव एंड फॉर सेकेंड पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय फोर, तो इनके बीच का फेस डिफरेंस निकाले, क्योंकि फॉर्मूला हमारा फेस की फॉर्म में है, तो सबसे पहले फेस डिफरेंस निकालेंगे। फेस डिफरेंस निकालने के लिए कल हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और के की जगह मैंने टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स लिखा था, डेल्टा फाई निकालना है, टू पाई बाई लैम्डा, यहाँ एक्स की जगह जीरो, तो डेल्टा एक्स फाई क्या बन गया, जीरो, फर्स्ट केस में फेस एंगल आ गया। सेकेंड केस में देखो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई फोर, लैम्डा से लैम्डा, और ये क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया, निकाल दिया, रखो हम यहाँ पे, तो आई वन क्या हो जाएगा, टू आई नोट वन प्लस कोस जीरो अपॉन में आई टू, टू आई नोट वन प्लस कोस ऑफ पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू क्या होता है, नाइनटी, कोस नाइनटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये आपके पास जीरो, तो क्या कोस जीरो वन होता है, क्या आ गया, टू आई नोट इंटू टू अपॉन में टू आई नोट, टू आई नोट से टू आई नोट कैंसिल, क्या आ गया, आई वन बाई आई टू का रेशो जो आएगा क्या आएगा, टू रेशो वन आएगा आपके पास, ठीक है बेटा, तो क्या आ गया आंसर, टू रेशो वन, ये हमारे पास में क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, सिमिलर इसी टाइप से क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी क्या होगी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगी स्क्रीन के ऊपर, अगर आपके पास में क्या दिया हो बेटा, अगर आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, वेयर द टू वेव्स अराइविंग हैविंग फेस डिफरेंस दे रखा, इस केस में क्या दिया हुआ, फेस डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, हम एक के एंगल से देख रहे हैं, हम क्या देखेंगे कि आपको इस तरह क्या पूछा है, इंटेंसिटी पूछी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आई नोट इंटू वन प्लस कोस ऑफ फाइव, ये फॉर्मूला पड़ा है, इंटेंसिटी आपके पास रिजल्टेंट वेव यानी कि जो है वो क्या है, आई नोट है, यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि फेस डिफरेंस जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो बेटा देखो ये तो हमारे पास दो वेव्स के फॉर्म में था, अगर मैं इसको क्या लिखूं, इस तरह से लिख दूं, टू आई नोट था, टू आई नोट टू कोस स्क्वायर फाइव बाई टू लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गया, फोर आई नोट कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, आपके पास ये फॉर्मूला बना है,
यहाँ पे फेस डिफरेंस आपके पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 बराबर 60 डिग्री, तो आई मेरे पास में क्या बन जाएगा, 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 60/2, तो ये आपके पास 4 आई नॉट कोस 30 का स्क्वायर, और कोस 30 की वैल्यू आपके पास नहीं कितनी होती बेटा, √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास में 4 आई नॉट √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास में 4 आई नॉट 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आई नॉट। इसी तरह से आप सेकंड केस में निकाल सकते हैं, अगर आपके पास में फेस डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो सिमिलर वे के अंदर हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस करवा रही थी मैं आपको, वीडियो एकदम से स्किप हो गई थी, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक लेजर लाइट है, लेजर लाइट की वेवलेंथ 630 नैनोमीटर है, कहाँ पे फॉल कर रही है, स्लिट के ऊपर फॉल हुई है, यानी ये हमारे पास में क्या है, स्लिट है, ये एक सोर्स है, स्लिट विड्थ कितनी है, डी है, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस कैपिटल डी हमने ले रखा है, यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट आके फॉल हुई है बेटा, तो क्या बता रहा है आपके पास में कि क्या हुआ है कि जैसे एक रे ऑफ लाइट आके फॉल हुई है, तो यहाँ से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 8.1 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है। इसी तरह से अगर हमने सोर्स को किसी दूसरी रे ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास में दूसरी जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 7.2 मिलीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हुई है। तो पूछा क्या है कि जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है, इस सेकेंड रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ क्या है, कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड रे ऑफ लाइट एंड सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा कितनी वेवलेंथ यूज की गई है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखो जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट थी उसके लिए वेवलेंथ कितनी है बेटा, लैम्डा 1 कितनी दी हुई है, 630 नैनोमीटर, तो आपके पास में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d है ये, तो यहाँ से हमारे पास में, और दूसरे के लिए हमने ये मान लिया डी और कैपिटल डी क्या रहेंगे, हम इसे सेम रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को वैल्यू डी, और हमने ये वैल्यू लैम्डा 2 निकाल दिया। इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एसएल अरोड़ा का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा, ठीक है, जहां से क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रिंज आर ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आपके पास में फ्रिंजेस बन रही है कितनी डिस्टेंस के ऊपर, एट ए सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है, स्लिट से अवे फॉर्म हो रही है, इफ द स्क्रीन इज मूव बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट, अगर ये स्क्रीन यानी ये जो स्क्रीन है, अगर ये स्लिट की तरफ 5 सेंटीमीटर क्या करना शुरू कर दे, कि मूव करना शुरू कर दे, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द स्क्रीन इज मूव बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट द फ्रिंज विड्थ चेंज बाय 30 माइक्रोमीटर, कि जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, 30 माइक्रोमीटर क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बीटा माइनस बीटा डैश, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ये ध्यान से सुनना कि अगर स्क्रीन को क्या क्या है, 5 मीटर स्लिट्स की तरफ मूव कर रही है, तो इसके कारण फ्रिंज विड्थ जो है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले स्लिट ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या थी, डी थी, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, डी माइनस डी डैश कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर में गिवन है बेटा ये, हाँ 5 सेंटीमीटर में गिवन है, अभी बोल रहा है कि जैसे इसकी तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में आपके पास में 30 माइक्रोमीटर है, तो पूछा क्या है कि फ्रिंज गिवन द स्लिट्स आर, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 1 mm अपार्ट है, तो बताइए लाइट की वेवलेंथ क्या यूज हुई है, तो सबसे पहले हमारे पास बीटा क्या था, लैम्डा d/d फर्स्ट केस में, अब जैसे ही क्या करे स्क्रीन मूव कर रही है, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश d/d, ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लैम्डा हमें निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बीटा माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी माइनस लैम्डा डी डैश अपॉन में डी, तो ये आपके पास लैम्डा बाई डी इंटू डी माइनस डी डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, तो आपके पास में लैम्डा निकालना है, बीटा माइनस बीटा डैश अपॉन में डी इंटू डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू लैम्डा, तो बीटा माइनस बीटा डैश आपके पास 30 माइक्रोमीटर, तो ये 10^-6 मीटर में आ गया, डी 1 mm, 1 mm का मतलब 10^-3, और डी माइनस डी डैश यानी 5 सेंटीमीटर यानी कि 10^-2, क्या आ जाएगा बेटा, वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 600 नैनोमीटर यानी 6×10^-7 मीटर आएगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं नैनोमीटर में, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, नैनोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, 18 भी क्वेश्चन इसी तरह का है, 19 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो थोड़ा सा अलग है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया गया, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 mm। कि यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ध्यान से, आप डायग्राम बना के किया करो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं इसके लिए आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। यंग्स डबल स्लिट के अंदर स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये मान लो हमारे पास क्या है सोर्स, ये क्या होगी स्लिट होगी, ये सेकंड, और यहां से ये क्या है स्क्रीन है, ये स्लिट्स हैं S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस डी ले रखी है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हमने कैपिटल डी ली है। यहां आपसे बोला है कि जो आपके पास में डिस्टेंस जो है स्लिट्स के बीच की 3 mm है, यानी स्मॉल डी जो है 3 mm है, और साथ में स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जो है 2 meter अवे है बेटा वो, तो यहां से कैपिटल डी जो है वो कितना है 2 meter अवे है एक दूसरे से, ठीक है। अब आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज, अगर लाइट की वेवलेंथ को कितना 600 nm क्या किया गया है इंक्रीज किया गया है, अगर लाइट की वेवलेंथ को 600 nm की, हाँ बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, द टू इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, कि आपके पास में दो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है यानी कि स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, वन ड्यू टू द लाइट विद वेवलेंथ 480 nm एंड अदर इज ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ 600 nm। फर्स्ट 480 nm एंड सेकेंड जो वेवलेंथ है वो 600 nm। दो अलग अलग फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है स्क्रीन के ऊपर दो अलग अलग लाइट वेवलेंथ के द्वारा। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस, यानी फिफ्थ ऑर्डर की अगर आपके पास में ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं फिफ्थ ऑर्डर की, ठीक है, तो आपके पास में यानी कि एन जो है वो फिफ्थ ऑर्डर बोल रहा है इसमें, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है फिफ्थ ऑर्डर की। तो बताइए आपके पास में ऑफ टू इंटरफेरेंस दोनों केसेस में फिफ्थ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज, देखो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमने क्या पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू एन, ये पढ़ा था y इज इक्वल टू एन लैमडा डी बाई डी, क्योंकि बीटा तो डिफरेंस आता है दो कंजुकेटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंजुकेटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस होता है फ्रिंज विड्थ। अब हमें पोजिशन दे रखा है फिफ्थ के लिए, तो हमने सबसे पहले मान लो y आएगा आपके पास में n की जगह 5, लैमडा यानी फर्स्ट वेवलेंथ 480, नैनो की जगह 10^-9, डी कितना है 2 meter, और स्मॉल डी कितना है 3×10^-3, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। सेकेंड निकालो आपके पास 5×600×10^-9×2/3, ये बेटा 3×10^-9, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये मान लो फर्स्ट वाले की जो वेवलेंथ आएगी आपके पास कितनी आती है, इसको जब आप सोल्व करते हैं हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम क्या करेंगे कि वाई इज इक्वल टू यानी बीटा इज इक्वल टू y2-y1, ये हम निकाल क्या दे देगा, ये आपके पास में ब्राइट फ्रिंजेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बनेगी कि फिफ्थ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंजेज फॉर्म होंगी दो पैटर्न्स के कारण, ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भी इसी तरह का दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक और क्वेश्चन